हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी का पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण का फुल सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तिलगुत्री प्रश्न का, दिया हुआ पहला क्वेश्चन इसमें चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। उत्तर दिया हुआ है इसका, भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर रमण की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी, पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया। उत्तर दिया हुआ है इसका, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। लघु उत्तरी प्रश्न में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। उत्तर दिया हुआ है इसका, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वेंकट रमण ने रमण प्रभाव की खोज की थी। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए डॉक्टर रमन को मिलने वाले पुरस्कारों की सूची। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है पुरस्कार का नाम, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में सन, किस सन में इनको मिला, फिर इसके बाद दिया हुआ प्रदान करने वाली संस्था। तो पुरस्कार का नाम दिया, सर की उपाधि 1923 में ब्रिटिश सरकार ने, नोबेल पुरस्कार 1929 में मिला इनको, नोबेल संस्था, भारत रत्न 1954 में भारत सरकार द्वारा दिया गया, और इसमें लेलिन शांति पुरस्कार 1957 में सोवियत संघ रूस दिया हुआ है, डॉक्टर ऑफ साइंस 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया। तो उत्तर दिया हुआ इसका, जब वे भूमध्य सागर से गुजर रहे थे तो पानी के नीले रंग को देखकर विचार आया। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ, प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। उत्तर दिया हुआ इसका, प्राचीन समय में बहुत कम तकनीक और प्रौद्योगिकी का बहुत कम उपयोग, सिर्फ इससे इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत अधिक उत्पादक नहीं है। यहाँ केवल किसान की खपत और जमीन पर काम करने वाले के लिए दांते, कुदाल या फावड़ा जैसे उपकरण अक्सर उपयोग में किए जाते थे। इस मामले में किसानों के पास आज एक ट्रैक्टर है, इसका उपयोग आमतौर पर इसकी अधिकतम शक्ति पर नहीं किया जाता है। फिर दोस्तों इसका मूल्यांकन कार्य देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ, रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, वाक्य में से देश और विदेश छाड़कर लिखिए। रमण हो गया और देश और विदेश हो गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान विषय की पढ़ाई करेंगे। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, लिखिए। उत्तर दिया हुआ इसका, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए हमें उस काम के प्रति काम क्रमबद्धता से काम या खोज के प्रति तर्क शक्ति का विकास, लगनशीलता, खोज के प्रति गहन अध्ययन और खोज के प्रति ज्ञान, जानकारी एवं उत्साह की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nitya.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।